नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। रूबरू कराएंगे आपको आज की खास खबरों के साथ फटाफट अंदाज। बिजबहरा में सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद और बच्चे की मौत। भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इसी के तहत जयपुर के लोगों ने मेड इन इंडिया एलईडी लाइट का निर्माण करने के लिए एक स्वपहल अभियान की शुरुआत। रेली के बारादरी इलाके में स्थित एक मंदिर परिसर में लगभग 30 साल की उम्र के एक पुजारी फांसी के फंदे से लटके हुए पाए गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मणिपुर में सत्ता बनाए रखने के लिए कानून के हर नियम का उल्लंघन किया, अनैतिक चाले चली और प्रीमियर जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। मायावती ने यूपी बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों पर सरकार से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता की मांग उठाई है। पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला, शी जिनपिंग से 6 साल में 18 बार मिले, बदले में मिला अतिक्रमण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, 200 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के इलाज की इजाजत मिली। जीटीपी, एलएनजेपी और राजीव गांधी अस्पताल में आईसीयू की संख्या बढ़ा रहे हैं सीएम केजरीवाल। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कोर्ट को बताया कि सीबीएसई और आईसीएसई 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की घोषणा करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा के कल आएंगे रिजल्ट। 56 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने लिया था हिस्सा। मणिपुर में एन बीरेन सिंह सरकार से खतरा लगभग टला, एमपीपी के 4 मंत्रियों ने एन बीरेन सिंह को समर्थन दिया। अजय कुमार लल्लू ने योगी को पत्र लिख घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की मांग की। पलवल एक्सप्रेसवे पर तकनीकी खराबी के कारण सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में कोविड केंद्र में तब्दील की गई मस्जिद, मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन की सुविधा कराई गई। कोरोना से लड़ाई में मोदी ने पढ़े योगी की तारीफ में कसीदे, कहा योगी सरकार का शानदार काम आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। भारत चीन तनाव पर डीएस हुड्डा का बयान, बोले पीएलए ने एलएसी पर बदलाव को मजबूर किया। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा कि प्रदेश में लगभग 74,000 से ज्यादा केस के बावजूद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना और वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान हुए शामिल। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया आरोप, कहा गलवान घाटी में शहीद सैनिकों की वीरता का इस्तेमाल सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कर रही है। असम में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार का फैसला, शहरी इलाकों में सिर्फ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, एक जिले में पूर्ण लॉकडाउन। भारत आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का बन सकता है सबसे बड़ा हब। आईफोन बनाने वाले दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स ने केंद्र सरकार की 41,000 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना के लिए किया आवेदन। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार से की मांग, कहा दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का ठेका चीन की कंपनी से ना लिया जाए। असम में लॉकडाउन की एक बार फिर बढ़ाई गई मियाद, गुवाहाटी में लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों के लिए सोमवार से बढ़ाया गया। सेनाध्यक्ष नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, लद्दाख क्षेत्र में जमीनी स्थिति के बारे में दी रक्षा मंत्री को जानकारी। असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई, राज्य में 4 और जिले में बाढ़ का पानी घुसा, बाढ़ से मरने वालों की संख्या हुई 13। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर।